अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? बस सफाई कर रही थी, इतने दिनों से सोच रही थी लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुझे बता देती, मैं रानी को साथ ले आती, वो सब कर लेती। अरे नहीं भाभी, अपने घर के काम खुद ही करके खुशी मिलती है। ओ, अपना घर। इसका मतलब ये है कि तुमने इस घर को अपना मान लिया है। हाँ, अपना घर मानती हूँ इसलिए तो यहाँ रह रही हूँ। और आरिस, उसको भी क्या दिल से अपना लिया? हाँ, पता नहीं। इधर देखो मेरी तरफ। तो फिर आरिस को दिल से मान लिया है ना? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। तुमने बताया आरिस को? नहीं, उन्हें मैं क्यों बताऊंगी? खुद पता चलना चाहिए ना उन्हें। बेवकूफ लड़की हो तुम। वैसे प्यार में पहल कर देनी चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। अब देखो, मैंने भी तो मास को पहले प्रपोज किया था ना। लेकिन आपकी और भाई की बात और है। और नहीं है, प्यार प्यार होता है। और अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हो तो बता देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ मामा। लेकिन इसकी समझ में कुछ आता ही नहीं है, क्या कर? अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी उन्हें। खुश? बहुत खुश। कौन माँ खुश नहीं होगी अपनी बेटी को खुश देख के। अरे इसको बता देना, आज ही सरप्राइज दे देना, ठीक है? चलो बैठ के बातें करते हैं। क्या तुम काम कर रही हो? आ जाओ। चलो मैं चाय बना के लाती हूँ, तुम लोग बैठो। अरेज कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपको कॉल्स कर रही थी, आपको अंदाजा है मैं कितना परेशान हो रही थी। हेलो। जी सर, जी सर, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, मैं शाम को आ जाऊंगा मीटिंग। ओके। नहीं, देर नहीं करनी चाहिए, इसे कह देना चाहिए कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ।